नमस्कार साथियों, आज हम हनुमान चालीसा की उसी पहली पंक्ति पर बात को जारी रखेंगे। वो जो पंक्ति है कि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, ये पंक्ति भारत की उस परंपरा के अनुकूल पंक्ति है जहाँ किसी भी शुभ कार्य से पहले गुरु को कृतज्ञतापूर्वक प्रार्थनापूर्वक याद किया जाता। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवै नमः। और वो श्री गुरुवे नमः की जो बात है, तुलसी उसी तरह से श्री गुरु कहकर उन्हीं श्री गुरु की याद करते हैं। गुरु के प्रति कृतज्ञता का ये जो भाव है, ये उस स्थिति से बहुत बेहतर है जहाँ शिक्षक और अध्यापक के ऊपर कहीं तेल छिड़क कर आग लगा दी जाती है, जहाँ उन्हें छात्रों द्वारा घेर कर घूसों से मार डाला जाता है, जहाँ कुछ विद्यार्थियों की परीक्षा में विफलता पर किसी प्राचार्य को मार डाला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण ले लें तो अकेले 2017-18 में वहाँ के जो नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स है उसके अनुसार शिक्षकों के विरुद्ध हिंसा के 10,000 से अधिक प्रकरण हुए। ऐसे दृश्य भारत में भी देखने में आते हैं। जैसे NCERT का 2018 का सर्वेक्षण ये बताता है कि भारत में 34% सर्वेक्षित शिक्षकों ने किसी तरह का शारीरिक या शाब्दिक फिजिकल या वर्बल अब्यूज जो है अपने विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों से झेला था। 31% शिक्षकों ने विद्यार्थियों से असम्मानजनक व्यवहार पाया था, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। 2019 का NCPCR का सर्वे है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का, वो ये कहता है कि भारत में 65% सर्वेक्षित शिक्षकों के विद्यार्थियों से जो अनुभव रहे हैं उसमें वर्बल अब्यूज था या थ्रेट्स थी, धमकियाँ थी, और 43% ने तो जो सर्वेक्षित थे शिक्षक उन्होंने शारीरिक हिंसा झेली थी। इस वातावरण की पृष्ठभूमि में तुलसी की इन पंक्तियों को देर तक अपने मन में बजने दीजिए। पहले जो पंक्ति आपको चमत्कारिक लग रही थी, अब वो अविश्वसनीय और अकल्पनीय लगने लगेगी कि जब न वैसे गुरु रहे न वैसे छात्र, शिक्षक के पैरों का जो पद्म पराग था वो भी खत्म होता गया और विद्यार्थी का मन भी दर्पण ना रहा, पत्थर हो गया। ऐसे संदर्भों और परिप्रेक्ष्यों में तब तुलसीदास की यह पंक्ति कितने बड़े नॉस्टैल्जिया को जन्म देती है कि जब असंभव भी संभव हुआ करता था। क्या तुलसीदास को कहीं इस असंभाव्यता का एक त्रिकालज्ञ एहसास था जो उन्होंने यह प्रकट तौर पर नामुमकिन लगने वाली पंक्ति कही? ये कहा जा सकता है कि तुलसी ने भी गुरु के बारे में सभी पर प्रवर्तनीय जनरल बात नहीं कही होगी, उन्होंने तो निज मन मुकुर सुधार की बात ही कही, तो वे थोड़े भाग्यशाली रहे होंगे कि उन्हें कोई निजी तौर पर अच्छा गुरु मिल गया होगा। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे और तुलसीदास तो अपने जन्म लेने के कुछ समय बाद ही माँ हुलसी और पिता आत्माराम दुबे की मृत्यु के बाद अनाथ हो चुके थे। चुनिया नाम की नौकरानी ने उन्हें पाला और वे द्वार द्वार भूख से बिलकते हुए भीख मांगते थे। ऐसे ही भटकते हुए वे राजापुर के अपने स्थान से 5 किलोमीटर दूर सूकर खेत के नरहरि जी के आश्रम पहुंच गए। वहां उन्हें आश्रय भी मिला और ज्ञान भी। तुलसी ने स्वयं उसका वर्णन किया और यूं किया है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, समझ नहीं तसी बालपन तब अति रहो अचेत। यो गुरु कहीं बार ही बारा, समझ परी कछुमति अनुसारा। तो निज गुरु को निज मन मुकुर से जोड़ लीजिए और इस पंक्ति को पूरी तरह से एक प्राइवेट अफेयर बनाकर मामला ख़त्म कर दीजिए कि इसमें कुछ भी यूनिवर्सल नहीं है, कि उसमें कुछ भी पब्लिक नहीं है। एक शिष्य एक गुरु के बारे में कह रहा है तो बात इंडिविजुअल है, स्थानिक है। सुकर खेत पस्का नामक स्थान की बात कर रहे हैं जहाँ आज गुरु नरहरि और तुलसीदास की प्रतिमा स्थापित है, तो ऐसा कहकर भी इस बात को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इतने आसान निष्कर्ष निकालने से पहले थोड़ा रुकिए, देखिए कि तुलसी ने गुरु का कोई व्यक्ति विशिष्ट, कोई इंडिविजुअल नाम तो इस पंक्ति में लिया नहीं है। क्यों नहीं लिया है? क्यों वे निज मन मुकुर की बात भी अपने मन, हम सबके अपने अपने मन के लिए कर रहे हैं? वे कृतज्ञता की एक संस्कृति को विकसित करना चाह रहे हैं। इसलिए यदि यहां कोई भ्रम हो तो गुरु के चरण कमल की रज की बात, उसके बारे में तो मानस के आरंभ में ही तुलसी ने जो कहा है वो याद कर लीजिए। वहां वो कहते हैं, जन मन मंज मुकुर मलहरणी, जन मन मंज मुकुर मलहरणी,
किए तिलक गुन बस करनी, कि निज मन मुकुर को ही नहीं जनमन मुकुर को उसको भी देखना है, जनता के मन के दर्पण को। ये बात जो है निज मन के साथ भी है और जनता के मन के दर्पण की भी बात है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।